नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल लाठिया, फाउंडर ऑफ मोमेंस टच गर्भ संस्कार फ्रॉम सूरत। गर्भा अवस्था में कसरत क्यों करनी है उसके बारे में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी हम दे चुके हैं, लेकिन ये आज हम जो बात करने वाले वो क्वेश्चन भी रेयर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली आजकल वो अवेयरनेस नहीं दिखती लड़कियों में कि गर्भा अवस्था के पहले अगर वो कसरत करते हैं तो उस कसरत का, योग का, वो माँ, जो लड़की जो माँ बनने वाली है उसके स्वास्थ्य पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर गर्भधारण करने से पहले अगर कोई स्त्री एक्सरसाइज करती है तो उसके शरीर की लवचिकता बढ़ती है, उसकी स्टैमिना बढ़ती है, उसके मसल्स और बोन्स हेल्दी होते हैं, उसकी जो हृदय की स्थिति है, उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसकी श्वसन प्रक्रिया है, उसकी क्षमता भी बढ़ती है। और जब माँ की सब सिस्टम अच्छे से काम कर रही है तो डेफिनेटली माँ की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी अच्छी क्षमता से काम करेंगे, तो माँ के गर्भ की जो स्थिति है, बीजदानी की जो स्थिति है और उसमें जो बीज बन रहे हैं उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ावा होगा। तो माँ के लिए एक्सरसाइज करना ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जिस अवस्था में माँ गर्भधारण करती है उस वो अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो रेगुलर योग और एक्सरसाइज से जुड़े हैं वो लोग जनरली ही खुश रहते हैं, उसका मन शांत होता है, उसकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है और वो उत्साह से भरे होते हैं, क्योंकि योग और एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं, अपने तमस को कम कर सकते हैं, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी साइंटिफिक। तो माँ के शरीर और मन की स्थिति जो गर्भधारण के समय होनी चाहिए वैसी करने में कसरत और योग मदद रूप होते हैं। तीसरा, आयुर्वेद के हिसाब से गर्भ अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मैनेज करने वाला जो वायु है वो है अपान वायु, और योग और एक्सरसाइज अपान वायु को बैलेंस करने में मदद करता है। जब अपान वायु सेटल होता है तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन हेल्दी होता है, और तब जो बीज की क्वालिटी बनती है वो बेहतर होती है, और तब जब माँ कंसीव करती है तो वो कंसेप्शन कंटिन्यू होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो जिस माँ ने रेगुलर एक्सरसाइज की है तो वो माँ को मिसकैरेज होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। नो डाउट मिसकैरेज होने के बहुत सारे रीजंस है, लेकिन जो माल नरिशमेंट या तो अनहेल्दी यूट्रस, अनहेल्दी ओवरीज और ओवम, ये सारे रीज़न माँ अपने एक्सरसाइज और योग पोस्चर्स के द्वारा एलिमिनेट कर सकती है। और जिस माँ ने रेगुलर एक्सरसाइज की है और उसके बाद वो कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल चेंजेस के कारण जो छोटे मोटे दर्द डिस्कम्फर्ट होते हैं वो भी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो जैसे आप गर्भधारण से पहले अपने रिपोर्ट्स करवाते हैं, गायनेक को कंसल्ट करते हैं, ज़रूर अपने एंटीनेटल थेरापिस्ट को भी कंसल्ट करें, अपने बॉडी का इवेल्युएशन करवाएं, और अगर आपकी मांसपेशियां कमज़ोर है, आपके पेट के स्नायु की ताकत कम है तो उस पर ज़रूर काम करें। पर्टिकुलरली जिस लड़कियों को PCOD की तकलीफ़ है, जिसमें अपना मासिक स्राव अनियमित हो जाता है और PCOD की वजह से कंसीव होने में भी दिक्कत होती है, ऐसे केस में एक्सरसाइज वरदान रूप है, क्योंकि जो लेवर लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज की जाती है उससे जो पेट के अंदर की जो चर्बी है उस पर काम किया जाता है, और जब वो फैट रिड्यूस होती है अपने आप आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी बनती है। तो प्री प्रेगनेंसी एक्सरसाइज का बहुत ही रोल है। याद रहे कि एक्सरसाइज और योग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नुकसान कर सकती है, तो आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं अपने एंटीनेटल थेरापिस्ट के गाइडेंस के अनुसार करें। और दूसरा कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो जब आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो तब स्टॉप कर देनी है, ड्यूरिंग प्लानिंग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस बारे में आप अपने एंटीनेटल पोस्टनेटल थेरापी से ज़रूर एक बार सलाह मशवरा करके एक्सरसाइज प्रोग्राम सेट करें।
आपका गर्भधारण स्वस्थ रहे और आप एक स्वस्थ बालक की माता बने, ऐसी शुभेच्छा के साथ सबका धन्यवाद।